नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई, लेकिन इससे पहले जो हुआ वो भारतीय राजनीति के लिए बड़ा दुखदायी रहा। विपक्ष का सरकार पर आरोप है कि सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की और गलत तरीके से किसान बिल को पारित किया, लेकिन सरकार का आरोप है कि विपक्ष झूठ बोल रहा है और विपक्ष ने खुद ही लोकतंत्र को मौत के घाट उतार दिया। इसी बीच राज्यसभा में कृषि बिल पर सरकार के पास समर्थन नहीं था, लेकिन सरकार ने बड़ी आसानी के साथ ही उसे पारित करा लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर मोदी सरकार के लिए किसने ये काम आसान किया? अगर नहीं तो आज हम अपनी स्टोरी में आपको बताएंगे कि आखिर किसने मोदी सरकार को सफल बनाया। पहले आप मुद्दे को समझ लीजिए। कृषि क्षेत्र से जुड़े 3 अहम बिल लोकसभा में पहले पास हो गए, लेकिन मोदी सरकार को राज्यसभा में 8 वोटों की कमी पड़ रही थी। सरकार चिंतित थी कि क्या किया जाए। वहीं कांग्रेस विपक्ष को एकजुट करने की कोशिशों में जुटी थी। एनसीपी, आप, वाम दल, टीएमसी, एसपी, बीएसपी, टीआरएस जैसे कई दल एक मंच पर आ भी गए। इन दलों का आरोप है कि सरकार ने पर्याप्त संख्या बल ना होने के बावजूद जबरदस्ती इन बिलों को पारित करा लिया। हालांकि इसी उच्च सदन में अन्नाद्रमुक, बीजेडी, वाईएसआर, कांग्रेस जैसे दल थे जो कांग्रेस की इस मुहिम से दूर रहे। जाहिर तौर पर इससे ये सियासी संदेश गया कि इन बिलों को पारित कराने के लिए सरकार के पास इन 3 दलों का समर्थन था। इस हिसाब से सरकार के पास 243 सदस्यों वाली राज्यसभा में 125 सदस्यों का पर्याप्त समर्थन मौजूद हो गया। हालांकि सरकार के अहम एजेंडे को जमीन पर उतारने में बीजेपी को तेलंगाना की टीआरएस का भी परोक्ष और प्रत्यक्ष साथ मिलता रहा, लेकिन कृषि क्षेत्र से जुड़े बिलों के मुद्दे पर इस बार टीआरएस भी विपक्ष के खेमे में पहुंच गया। राजनीतिक विश्लेषक राज्यसभा में बीजेपी की जीत को कुछ इस तरह समझाते हैं, जैसे कि तेलंगाना में टीआरएस, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर और तमिलनाडु में एआईडीएमके की कांग्रेस प्रमुख प्रतिद्वंदी। ओडिशा में भी बीजेडी का गठन कांग्रेस के ही विरोध में हुआ। यही कारण है कि राज्य की सियासत के मद्देनजर ये दल केंद्र की राजनीति में भी कांग्रेस से दूरी बनाते आए, और यही कारण रहा कि उच्च सदन में इसका लाभ बीजेपी को मिला। कृषि बिल पारित हो गया और इसके 3 किरदार बने, चंद्रशेखर राव, जगन मोहन और पलानी सामी। इन्होंने ही बीजेपी की नैया पार कर दी और बीजेपी के संकट मोचक बन गए।